नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश वान्यस्टो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा लेक्चर जो सीरीज चल रही है उसमें हमें कुछ ज्योतिष के अनोखे सूत्र आपको बता रहा हूँ जो कि प्रेडिक्शन के लिए बहुत अच्छे इस्तेमाल में किए जाते हैं और जिनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और जो ये सूत्र हैं वो सब शास्त्र सम्मत हैं, कोई सूत्र ऐसा नहीं है जो अपने आप से डेवलप करके बनाया गया हो। ये सब शास्त्रों में वर्णित हैं, चाहे वो बृहत पराशर हो, रसास्त्र हो, चाहे फलदीपिका हो, चाहे मानसागरी हो, चाहे जातक पारिजात हो। तो मैं डिफरेंट सूत्र आपको बताता रहा हूँ, आज भी मैं कुछ आपको सूत्र बताऊँगा। उन सूत्रों में एक सबसे पहला सूत्र जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको आप ध्यान रखिए, वो जातक पारिजात में है। और जातक पारिजात ये कहता है कि अगर सूर्य की दशा हो, किसी भी ग्रह की दशा हो, अगर सूर्य की दशा हो तो कुंडली में जहाँ सूर्य की उच्च राशि है वहाँ के शुभ फल मिलेंगे और जहाँ सूर्य की नीच की राशि है वहाँ के अशुभ फल मिलेंगे। यानी मान लीजिए कि ये कुंडली है, इस कुंडली में सूर्य जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, तो जब सूर्य की दशा आएगी तो सूर्य फल देगा इस भाव के, दसवें भाव के फल देगा सूर्य, क्योंकि दसवें भाव में वो बैठा है। तो जहाँ जो भाव में जो फल, जो ग्रह बैठा होता है उस भाव के फल उसी कर रहे होते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है फल करने की। तो सूर्य इस भाव के फल देगा, साथ में सूर्य की उच्च राशि इस भाव में है तो इस भाव में फल अच्छे देगा, यानी जहाँ पे उसकी उच्च राशि है वहाँ के शुभ फल देगा, और जहाँ उसकी नीच की राशि है, ये नीच की राशि यहाँ सातवें भाव में है, यहाँ के अशुभ फल देगा। यानी कि दाम्पत्य जीवन में दरार पैदा कर सकता है, बिजनेस पार्टनर के साथ झगड़ा पैदा कर सकता है, बिजनेस में कुछ कमी कर सकता है, डेली इनकम में कुछ कमी कर सकता है, स्वास्थ्य में कुछ बढ़ोतरी कर देगा, नाम बढ़ोतरी कर देगा, आपको मान सम्मान देगा, क्योंकि सूर्य की यहाँ पे उच्च राशि है। तो जहाँ सूर्य की उच्च राशि होगी वहाँ के शुभ फल, और जहाँ नीच राशि होगी वहाँ के अशुभ फल मिलेंगे सूर्य की दशा में। और ये केवल सूर्य की दशा के लिए नहीं, हर ग्रह की दशा के लिए है। अगर चंद्रमा भी हो या मंगल भी हो या बुध भी हो तो उसी केस में ऐसे लेंगे। जैसे अगर बृहस्पति का लेते हैं तो बृहस्पति जिस राशि में उच्च का होता है, कर्क में, तो जहाँ कर्क राशि है कुंडली में उस भाव के फल अच्छे मिलेंगे। जहाँ बृहस्पति मकर में नीच का होता है तो जहाँ मकर राशि है उस भाव के फल अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए, जातक पारिजात का जो श्लोक है उसके अनुसार कि जिस भाव में ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ के फल तो करता ही करता है, उसके अलावा वो फल वहाँ का भी करता है जहाँ उसकी उच्च की राशि होती है, और वहाँ का वो शुभ फल करता है, और वो ग्रह उस भाव का फल भी करता है जहाँ उसकी नीच की राशि होती है, और वहाँ का वो अशुभ फल करता है, वहाँ उस भाव की हानि करता है। तो ये बात आपको ध्यान में देने वाली है। एक सूत्र आपका ये वाला हुआ। दूसरा सूत्र आपको इसमें एक चीज़ और भी देखने हैं कि देखिए, अब जैसे कोई भी पाप ग्रह है, पाप ग्रह कौन कौन से होते हैं, सूर्य है, मंगल है, शनि है, सब कुछ है, ये सारे पाप ग्रह हैं। सपोज़ कीजिए कि सूर्य, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, सूर्य पाप ग्रह है। अब सूर्य पाप ग्रह है तो वो अपने भाव पे दृष्टि दे रहा है, पंचम भाव पे दृष्टि दे रहा है, तो पंचम भाव को तो मजबूत करेगा। अगर किसी भी भाव पे, चाहे वो पाप ग्रह हो चाहे वो शुभ ग्रह हो, उसके स्वामी की दृष्टि हो या भाव स्वामी से युत हो तो भाव की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चूंकि इस भाव का स्वामी इस भाव को दृष्टि दे रहा है तो उस भाव की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अगर इसमें कोई ग्रह बैठा है, सपोज कीजिए शुक्र बैठा है यहाँ, तो सूर्य ने अपने भाव को दृष्टि दी तो अपने भाव के रिजल्ट तो बढ़ा दिए, लेकिन शुक्र के भाव के रिजल्ट को कम कर देगा, उस पर बैड इफेक्ट्स डालेगा। जो शुक्र के भाव होंगे, जो जहाँ शुक्र के भाव हैं, जैसे ये वाला भाव है या ये वाला भाव है, इसके रिजल्ट्स में कमी लेकर आएगा। तो ये ध्यान रखिए कि ग्रह अगर अपने भाव पे दृष्टि डालते हैं, पाप ग्रह स्पेसिफिकली अगर अपने भाव पे दृष्टि डालते हैं तो वहाँ के फल तो अच्छे कर देंगे, उस भाव के तो उस भाव की स्ट्रेंथ तो बढ़ा देंगे, लेकिन उस भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हो तो उस ग्रह के भावों के फलों को हानि कर देंगे उसके अंदर। इसी प्रकार उल्टा लगा लीजिए, अगर भाव यहाँ पे कोई शुभ ग्रह बैठ के देखे, बृहस्पति यहाँ बैठ के देखे, अपने भाव को देखे तो बहुत अच्छा, और उसके अलावा कोई वहाँ ग्रह बैठा हो तो चूंकि शुभ ग्रह देख रहा है तो उसके भाव के फल भी शुभ हो जाएंगे।
तो ये एक बहुत अच्छा सूत्र है, आपको ध्यान देना जरूरी है कि जब भी कोई ग्रह अपने भाव को देखता है तो उस भाव की वृद्धि होती है, लेकिन यदि वो पाप ग्रह है और वो अपने भाव को देख रहा है तो उस भाव में जो कोई भी ग्रह होगा उसके भाव के स्वामियों की हानि होगी। तो एक सूत्र मैंने आपको ये बताया। तीसरा सूत्र मैं आपको ये बताता हूँ। सपोज कीजिए कि आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे ये सुख वाला भाव है, चौथा भाव, सुख भाव की हानि कब होगी, किसी भी भाव की, कोई भी भाव आप ले लीजिए, आप उसमें देखना चाहते हैं कि यार इस भाव की हानि कब होगी। अच्छा, गोचर में ग्रह चल रहे हैं, गोचर में तो ग्रह चलते रहते हैं, डेली ग्रह चल रहे हैं, डेली ग्रहों का गोचर चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ डिग्री, कुछ ना कुछ अंश, कुछ ना कुछ मिनट, कुछ ना कुछ सेकेंड्स वो आगे बढ़ जाते हैं। तो अब इसमें आपको ये देखना है कि आपका किस भाव की हानि कब होगी या भाव की हानि कैसे होगी। मान लिया हम लगाते हैं, हमसे कोई पूछे कि भैया बताओ ये दाम्पत्य जीवन प्रॉब्लम कब आएगी, सातवां भाव, कि दाम्पत्य जीवन प्रॉब्लम कब आएगी, तो सातवां भाव से आप आठवें भाव पर जाइए, काउंट कीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, कौन हुआ, शुक्र। सातवें भाव से आठवें भाव का स्वामी हुआ शुक्र। तो शुक्र जब गोचर में इस भाव पे आ जाएगा, सातवें भाव में जब शुक्र गोचर में यहां आएगा तब हानि होगी। आप देखेंगे कुंडली में, अगर आप लग्न से गोचर देखते हैं और आप देखते हैं कि यहां पे शुक्र बैठा हुआ है, तो आप कह रहे हो ये तो हानि कर रहा है इसकी, वो हानि इसलिए कर रहा है क्योंकि इस भाव से आठवें भाव का स्वामी है। आपको समझाया, दोबारा समझिए, कुंडली में गोचर में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार शुक्र तो गोचर में अपनी राशि में आया है तो अपने भाव की हानि कैसे कर सकता है, लेकिन वो इसलिए हानि नहीं कर रहा, वो हानि इसलिए कर रहा है कि शुक्र जो है वो इस सातवें भाव का जो आठवां भाव का स्वामी है, सातवें भाव का जो आठवां भाव है उसका स्वामी है, वो गोचर में यहाँ पर आया है। ये तो शुक्र बाई चांस हो गया, कोई और भी हो सकता है। तो इसलिए ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है, कब किसी विचार भाव की हानि कब होती है, तो उसके लिए ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये तीन सूत्र मैंने आपको इसमें बताए हैं अभी, अब आगे भी मैं आपको इस तरह से सूत्र बताता रहूँगा। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। आएँ तो ज़रा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, काइंडली शेयर कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।